जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी जो बेसिक जो चीजें थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इसमें जो स्थान खोजे गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज क्या है, उसमें विभिन्न स्थानों को खोजा गया था और उन स्थानों की खोज कहां पर हुई, किस नदी के किनारे, कब और किसके द्वारा की गई, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, AKGS रिसर्च सेंटर जो ये हड़प्पा है। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था जो दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, उन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, सब लोगों को मालूम है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज की खोज की थी, कुछ कोई स्थान को ही तो खोजा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्थान को खोजा होगा और उस स्थान के खोज के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की होगी। तो उसमें जो सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा स्थान था जो सबसे पहले खोजा गया, तो आपको क्या बताना है, हड़प्पा। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको पता है लेकिन आप आंसर नहीं लगा पाओगे तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़िए। क्लियरिटी के लिए ही तो AKGS ने आपकी जिम्मेदारी ली है। जो हड़प्पा था इसकी जो खोज है वो 1921 में, जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता के तौर पर आपने कल पढ़ लिया था, 1921 में की थी। अब क्वेश्चन उठता है किसने की थी, तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है कि जो ये हड़प्पा था ये किस नदी के किनारे था। भाई एग्जामिनर क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है ना, तो आपको पूरा कंसेप्ट कवर करना होगा। तो कंसेप्ट को कवर करते हुए चलिए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, पूरे कंसेप्ट को कवर करिए। जो हड़प्पा था वो किस नदी के किनारे था। अब ये किस नदी के किनारे था, वो रावी नदी के किनारे था, रावी नदी। अब रावी नदी के तो किनारे ये था, अब जो और जो स्थान थे वो किस नदी के किनारे थे, इनको अब हम जानेंगे। जो ये मोहनजोदड़ो है ये इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1923 में। किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो खोज की गई थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेम को ध्यान रखिएगा, ये तो सबको पता रहता है कि दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन इसको ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। जबकि एग्जामिनर क्या करता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन को पूछ लेता है। आगे बढ़ के मतलब हड़प्पा को छोड़कर वो मोहनजोदड़ो, यानी कि 1921 को छोड़कर वो उससे एक स्टेप आगे 1923 की खोज पूछ लेता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको और बच्चों से बेस्ट बनना है, क्योंकि आप AKGS रिसर्च सेंटर से पढ़ रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर तो होना चाहिए। अरे दूर से ही लगना चाहिए कि आप AKGS रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट हो। तो जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, राखलदास बनर्जी। अब चंद्रूडरो, एक बात ध्यान रखिएगा, ये किस नदी के किनारे, सिंधु, चंद्रूडरो सिंधु। तो आपको यहां से कुछ कंबाइन दिख रहा है। अगर आपको किसी सिलेबस को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है ना, किसी सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए। अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर लोगे। चंद्रूडरो देखो, जिसमें दड़ो आ जाए ना पीछे, अब ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, महत्वपूर्ण जो स्थान खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन अगर कोई और जो आपने कभी सुना ही नहीं हो और वो स्थान पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे, तो ध्यान रखना जिस स्थान के पीछे दड़ो आ जाए, दड़ो, वो सिंधु नदी के किनारे है। तो रिलेट करके पढ़िए, अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिसके पीछे दड़ो होगा आप सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी लगा देंगे। लेकिन अगर आप रिलेशन नहीं यहां पर फाउंड करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहते और वहां पर आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। और कुछ भी करें लेकिन नंबर नहीं कटने दें, क्योंकि नंबर से ही तो सिलेक्शन होगा। तो ये जो चंद्रूडरो है और जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे था, ये था सिंधु नदी के किनारे। इनको ध्यान रखिए, एक एक दूसरी चीज को कनेक्ट करके पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा साबित होगा। आप देखिए, कनेक्ट तो करके देखिए, चंद्रूडरो की जो स्थापना है वो 1921 में किसने की थी, गोपाल H. मजूदार। देखिए ये आपको नाम तो पढ़ने पड़ेंगे,
क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर देखिए क्वेश्चन बने हैं, वो पूछता है कि किसकी खोज किसने की। लेकिन जो दो तीन हड़प्पा मोहनजोदड़ो और रोपड़ लास्ट यहीं तक पूछता है कि किसने किसकी खोज, और तो सब यही पूछता है कि नदी किस नदी के किनारे है। आप जो ये इंपोर्टेंट है आप इनको पढ़ लीजिए, और यही तो खासियत है एक जीएस की कि आपको जो इंपोर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाना, नहीं पढ़ाने के लिए तो पूरे ग्रंथ थोड़े पर हैं। लेकिन सिलेक्शन किससे, हमारा उद्देश्य ज्ञान लेना नहीं, हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन लेने के लिए ही तो आप एक जीएस पर आए हैं, तो पढ़िए। जो चंद्रूड़ो है वो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, गोपाल एच मजूमदार, ध्यान रखिएगा गोपाल एच मजूमदार मजमूदार। अब ये किस नदी किनारे, अब आप बता सकते हो, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बता सकते हो ये किस नदी किनारे, किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि आपने अब रिलेशन निकाल लिया ना। अब रिलेशन निकाल के पढ़ोगे तो आप आसानी से किसी को भी फाउंड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं रोपड़। अब जो रोपड़ की जो स्थापना वो 1953 में हुई थी, रोपड़ की स्थापना कब हुई थी, 1953 में, किसके द्वारा की गई थी बताइए, किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी योगेश्वर दत्त के द्वारा, किसके द्वारा, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त के द्वारा, ध्यान रखिएगा। रोपड़ किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। ये किस स्थान पर है, ये था आपका किस स्थान पर, ये था आपका पंजाब में, कब, पंजाब में, कहां, पंजाब। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है आपका, पंजाब में, किसके द्वारा, योगेश्वर दत्त के द्वारा, किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। आप ध्यान रखिएगा जितनी भी खोज पंजाब में हुई है ना वो सब सतलज नदी के किनारे हुई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक कॉमन पॉइंट है। आप जितनी भी पंजाब से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज पढ़ोगे वो सब सतलज नदी के किनारे है, तो इसको ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे, सतलज। अब आगे क्या है, कालीबंगन। अब इससे आगे आप जो खोज करता है जो डेट है उसको बेशक ना पढ़े, क्योंकि वो ज्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछता है, जो महत्वपूर्ण जो स्थान थे वो जो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो चंद्रूड़ो रोपड़ इनसे ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बालकृष्ण घोष ने इसकी स्थापना की थी 1951, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे तो ग्रंथ कितने भरे पड़े हैं, लेकिन हमको वो पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो, ठीक है ना। हाँ, अब इसकी खोज 1951 में मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके कोई औचित्य नहीं। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, देखिए 1951 में की थी, किसके द्वारा की गई थी, बालकृष्ण के द्वारा की गई थी, बालकृष्ण प्लस घोष, दो इंसान थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, बालकृष्ण और घोष। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो रोल निभाता है वो था जो कालीबंगन है वो किस नदी के किनारे था, ये क्वेश्चन पूछता है। और जो इंपोर्टेंट जो रोल निभाता है वो पूछता है कि कालीबंगन में क्या पाया गया था, और अब इन स्थानों पर कुछ ना कुछ पाया गया होगा तभी तो इनका नाम आया है, तभी तो ये इंपोर्टेंट है। तो इन स्थानों पर क्या क्या पाया गया था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। और आलमगीरपुर, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कल बताया गया था, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे पूर्व में मेरठ में यूपी में, और किसके द्वारा खोजा गया, ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है कि ये किस नदी के किनारे है, ये है आपका हिंडन नदी के किनारे। तो इसको रखिए, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब बनावली, बनावली कहां पर है, अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, बनावली कहां पर है, बनावली आपकी हरियाणा में। अब बनावली, जैसे बनावली हरियाणा में है ऐसी राखीगढ़ी हरियाणा में, जैसे आपने पढ़ा था कि जो पंजाब में कोई भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान खोजा गया तो वो सतलज नदी किनारे, उसी प्रकार अगर हरियाणा में कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थान खोजा गया था तो वो सरस्वती नदी किनारे था। अगर आपको बनावली पता है और आपको राखीगढ़ी नहीं पता, और ये पता है कि ये दोनों हरियाणा में थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर हरियाणा का आपको पढ़ना है तो ये दोनों किसमें, ये सरस्वती नदी के किनारे थे, तो आपको इसको रिलेट कर देना है, सरस्वती नदी के किनारे था। तो कनेक्ट करके पढ़िए चीजों को, आपको फायदा है इसमें, आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होंगे इससे। अब धोलावीरा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कल भी आपने जैसे पढ़ा था धोलावीरा में तीन टीले थे, अब स्थान ये किस स्थान पर था, ये तो दोनों आपके हरियाणा में हो गए, धोलावीरा कहां पर था, ये तो आप कल पढ़ चुके हो, ये तो आप इसमें तो आप टॉपर हो, तो इसको तो आप बता सकते हो ना। तो इसमें ये आपको गुजरात में, अब किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे है, ये धोलावीरा किस नदी के किनारे है,
बताइए धोलावीरा किस नदी के किनारे? धोलावीरा है भोगवा नदी के किनारे। घग्गर नदी क्या था? घग्गर नदी था कालीबंगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। धोलावीरा किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हाँ, इसमें एक इंपोर्टेंट रह गया है, जो मानव निर्मित जो बंदरगाह था वो हम आगे पढ़ेंगे। लोथल, लोथल आप लोथल को पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोथल को पढ़ लीजिए, क्योंकि लोथल से क्वेश्चन बनता है। जो लोथल था वो मानव निर्मित पहला बंदरगाह था गुजरात में। जो लोथल है, लोथल जैसा कि यहां पर रिलेट किया है उसी प्रकार यहां पर रिलेट करिए। जब यहां पर ये गुजरात का भोगवा नदी के किनारे है तो ये भी भोगवा नदी के किनारे होगा। रिलेशन से, कनेक्टिविटी से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपने आप में विचारिए। अगर फायदा हो रहा है तो आज ही से कनेक्टिविटी निकालना शुरू कर दीजिए। आपने, आपको लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपने AKGS से क्या सीखा, तो आपको लगना चाहिए हमने कनेक्टिविटी सीखी। आप लोग इन चीजों को अच्छे से कैसे याद रखा जाए, लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए, यही तो आप AKGS से सीख रहे हैं। पर ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन उन ज्ञान को कॉन्फिडेंस से कैसे अचीव किया जा सके, अपने अंदर ग्रहण किया जा सके, यही तो AKGS रिसर्च सेंटर की खासियत है। इसलिए ही आप यहाँ पर आए हो, वरना आप कहीं भी पढ़ सकते थे। पढ़ाई की कोई कमी थोड़े है, आप बुक से पढ़ सकते थे, लेकिन AKGS से क्यों, उसमें कुछ खास है, इसलिए ही तो आप आए हो। तो कनेक्ट करके पढ़िए, तो आप यहां से कनेक्ट करिए। तो ये गुजरात में है, तो गुजरात में ये जब है तो ये किस नदी के किनारे होगा? ये है भोगवा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। अब मैं ये मानव निर्मित पहला बंदरगाह था, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या थी, कौन सी चीज में क्या, कौन किस स्थान पर कौन सी चीज पाई गई थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये जो बहुत इंपोर्टेंट जो स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो विभिन्न खगोल शास्त्रियों द्वारा खोजे गए हैं, वो आपके लिए यही थे। आप इनको ध्यान में रखिएगा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको उनको मंथली या वीकली उनको रिवाइज करिएगा, जिससे ये आपके माइंडसेट में सेट होते रहे, आप इनको कभी ना भूल पाए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता रहे। तो इनको ध्यान में रखिएगा, जिससे आपके नंबर नहीं कटे। और अब हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि किस स्थान पर कौन सी क्या चीज पाया गया था, हड़प्पा में क्या पाया गया था, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, किसमें विशाल नन्नागार, किसमें विशाल स्नानागार, ये सब किसमें काली पक्की चूड़ियां, कौन सा आपका औद्योगिक नगर था, ये सब हम आप कल पढ़ेंगे। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कल चलने वाला है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कल आपको वो वीडियो जरूर देखना है। कल जुड़ना मत भूलिएगा AKGS रिसर्च सेंटर के साथ। धन्यवाद।